हेलो दोस्तों, लोपामुद्रा किचन में आप लोग को स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल पैन तंदूरी फूलगोभी। उसके लिए क्या क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए फूलगोभी, कैप्सिकम, प्याज, दही, तंदूरी मसाला, सरसों का तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, फूड कलर, नमक, रेड मिर्ची पाउडर और काली मिर्च। मैं पहले फूलगोभी को नमक और हल्दी में बॉईल कर दिया हूँ। अभी उसको मैरिनेट करते हैं। पहले डाल देते हैं फूलगोभी। प्याज, कैप्सिकम, नमक डाल देते हैं, मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, फूड कलर डालते हैं, तंदूरी मसाला डाल देते हैं, थोड़ा काली मिर्ची डाल देते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, सरसों का तेल डाल देते हैं, कर्ड डाल देंगे दही। ये सबको आप अभी हम मिला देते हैं। अभी हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल पैन तंदूरी गोभी। ग्रिल पैन गरम कर लिया हूँ। अभी थोड़ा सरसों का तेल डाल देते हैं। इसको गरम होने देते हैं। अभी ग्रेवी पैन गरम हो गई है। अभी हम गोभी डालते हैं। गोभी, प्याज, कैप्सिकम सब कुछ डालते हैं। तवा में डाल देते हैं, जिसको हाई फ्लेम में होने देते हैं। अभी हम एक एक इसको पलटते हैं। देख सकते हैं कैसे हो रही है। अभी हमारा देख सकते हो गोभी हो गया है। और अभी हमारा बन गया है ग्रिल पैन तंदूरी गोभी। अभी हम प्लेटिंग करते हैं।